says peace on me. और ये अब थाना में एफआईआर होता है, तुम्हारा काम नहीं हुआ तो क्या करेगा? फाइल बंद हो गया तो मंत्री कौन है? ये आप किसको अप्रोच किया? मंत्री को। मंत्री फोन करके किसको बोला? वो एसआई को फोन करेगा मंत्री? वो जिला के कप्तान को फोन करेगा? क्या बोला? ये अम्मो, ये लेडी मेरे पास आई है, उसका ये नाम है, आपके इलाके से सुन रहा हूँ बहुत सारी खबरें आ रही है, आप काम नहीं कर रहे। अरे साहब काम नहीं कर रहे तो जिले में शांति कैसे होती? एक इंसिडेंट हुआ पर मंत्री क्या करता है? एसपी को डिमोरलाइज करता है। तो क्या बोलता है? आपकी बहुत शिकायतें आ रही है, बहुत चोरी चकारी हो रही है, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। उसके बाद अपना लाइन पे आता है। क्या मेरे पास एक औरत आई हुई है, इसकी ये कंप्लेन है, दैनिक एस एच ओ को टाइप कीजिए और एस एच ओ को बोलिए ये केस तो रिप्रेजेंट करेगा। क्या केस? डायरी। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस इज केस। हाँ, आपने मर्डर कर दिया, आपको मर्डर से कौन बचाएगा बताओ? केस डायरी। तो प्राइमरी पर्सन हुए सेव यू फ्रॉम एनी प्रॉब्लम इज हू? इंक्वायरी ऑफिसर, आईओ। तो आईओ का मतलब कौन है? ऐसे सही इट इज इंटीरियर। ये सबसे पहले ये सबसे बड़ा। हाँ राइट, ये बहुत बड़ा बदमाश है, ये क्या करता है? सारी केस स्टडी खराब कर देता है। हाँ वो पढ़ा रहता है जो केस व्हाट इज हु इज डूइंग द इंक्वायरी? हु इज द इंक्वायरी? आईओ। या वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम थ्योरी टुडे टू हिम राइट एंड यू विल सी इज व्हाट टुगेदर बेल देता है। यहाँ मेरी बेल कहाँ से होगी? क्योंकि सारे तुम लोगों ने तो खाली एमडीओ को पकड़ के रखा है। केस कौन बिगाड़ा? आईओ बिगाड़ा। तो आईओ का मतलब क्या हुआ? तो फर्स्ट फॉर टीचिंग दिस मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट यू हैव टू टीच, आइसोलेट करो, आईओ को ठीक करो, आईओ को टाइट करो। हाँ आईओ को टाइट कर दो। एसएसपी क्या बोलते हैं? आईओ को चलो टाइट करो। मंत्री क्या बोलता है? आईओ साहब को टाइट करो। तो आईओ को टाइट करने का मतलब क्या हुआ? आईओ का मूवमेंट क्या है ऐसे का? इसका आइसोलेटेड मूवमेंट क्या है ऐसे का? सेरेटस इंटीरियर क्या करता है? स्कैपुला मेंटेन करता है। हाँ स्कैपुला मेंटेन करता है। तो फिर से को अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो विंगिंग हो जाएगा। ये क्या करता है? यू मेंटेन। मेन मूवमेंट ऐसे होता सर, पंचिंग पंचिंग एक्शन, बॉक्सर मसल, पंचिंग एंड पंचिंग। तो अब एक बात सोचो, अगर सेरेटस बॉक्सिंग ही नहीं होगा, फाइल आगे ही नहीं बढ़ेगी, केस स्टडी बनेगी नहीं, तो सारा बेल कहाँ से होगा? तुम तो बेल करवाने आए हैं, हाथ का बेल करवाने आए हैं। इसको जेल हो गया, तुम उसका बेल चाहता है। You have come for bail. तो केस स्टडी पर ध्यान दो। केस स्टडी का मतलब है बार बार yes. ये करेगा ये, बट मदद मिलेगा ये। हाँ और फिर फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। अगर ये उठ आया जैसे कि अपना सक्सेसफुल आया पहले डिप्लॉय कर रहे थे, लेकिन जब मेरा केम थ्रू दिस सेंटर पहले काम कर रहा हूँ आ जाते हैं सरपंच। हमेशा याद रखो बॉक्सिंग यानी केस को आगे बढ़ाना है। मुझे बेल चाहिए तो फाइल पक्की होनी है यानी केस डायरी सही होना है।